छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 3 महीने पहले ही 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे अब प्रत्याशियों को काम करने का मौका मिलेगा। वहीं पाटन से पार्टी के विजय बघेल को टिकट देने पर रमन सिंह ने कहा कि विजय के चुनाव में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने पहले भी भूपेश बघेल को हराया है, इस बार भी हराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लीलाराम भोजवानी के चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक ऐसी पीढ़ी का समापन हुआ है जो राजनीति में मापदंड के साथ काम करती थी। भोजवानी जनसंघ के दौर के नेता थे, उन्होंने प्रदेश में पार्टी को खड़ा किया है। मेरे लिए उनका जाना व्यक्तिगत क्षति है, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वहीं रमन सिंह ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 21 प्रत्याशियों को 3 महीने काम करने का समय मिलेगा। पाटन से विजय बघेल को टिकट दिया गया है। विजय ने पहले भी भूपेश को हराया था, अब भी हराएंगे। एक राजनीति में बहुत बड़ा शून्यता वैक्यूम छोड़ दिया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्र सरल सहज तरीके से सौम्यता के साथ, एक ऐसी पीढ़ी का समापन हुआ है जो राजनीति में कुछ मापदंड के साथ काम करते थे। और भोजवानी जी ने अपनी राजनीति यात्रा में अलग अलग मुकाम तक पहुंचने का काम किया। 60 के दशक में जनसंघ के दौर से, जब पार्टी में कोई खड़ा नहीं होता था, उस समय भारतीय जनसंघ को मजबूत करने में शिव कुमार शास्त्री जी के साथ, जोशी जी के साथ लगातार मेहनत करके पार्टी को यहाँ लाया। वहीं राजनांदगांव से चुनाव लड़ने के सवाल पर रमन सिंह ने कहा कि ये तो दिल्ली तय करेगी। इस बार नए और युवा चेहरे को मौका दिया गया है। इस बार प्रत्याशियों को काम करने के लिए समय मिलेगा। चुनावों से 3 महीने पहले ही लिस्ट जारी की गई है। देखिए, मापदंड ये है, आज क्या स्थिति है, जीत की क्या संभावना है, सर्वे में क्या क्या स्थिति आ रही है, ये सब बात को केंद्रीय नेतृत्व बारीकी से देखता है, अध्ययन करता है और उसके बाद सूची जारी करता है। पाटन बघेल, भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।